उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म मानववाद के प्रेरणाता प्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। उन्होंने बिलासपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वे इस दौरान बिलासपुर नगर निगम द्वारा आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में भी शामिल हुए। उन्होंने विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ उद्यान में झाड़ू लगाकर सफाई की। उप मुख्यमंत्री साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के बड़े विचारक और चिंतक थे। उन्होंने आधुनिक राजनीति को एक नई दिशा दी। देश की विरासत के अनुरूप हमारा देश तरक्की करे, यह उनका विचार था। उनकी विचारधारा के अनुरूप विकास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के राजनीति के ऐसे चिंतक विचारक राजनेता रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी। देश के आध्यात्मिक पौराणिक सांस्कृतिक भौगोलिक आधार पर देश की राजनीति हो, देश की अर्थनीति, देश की शासन व्यवस्था, हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बने और ये देश उस दिशा में आगे बढ़े, एक ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति और एक नई विचारधारा को लेकर जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया। जो उनके सोच के पीछे मूल मंत्र था वो गरीब कल्याण को लेकर था। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए, गरीबों का जीवन सुलभ हो, ऐसी देश की राजनीति की व्यवस्था बने, ये उनकी विचारधारा का मूल तत्व था।